हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 22 प्रश्न जो कि NIOS इकोनॉमिक्स को 318 क्लास 12th के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस 22 क्वेश्चन को पढ़ के आप अपने इकोनॉमिक्स के पेपर में 70+ मार्क्स ला सकते हैं आसानी से। तो आपको अब कम समय बचा है, इसलिए 22 क्वेश्चन आपके लिए हैं जिसको पढ़ के आप आसानी से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर भी आपको मैं बताऊंगा कहाँ मिलेंगे आपको। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सरकार का बजट क्या होता है? सरकार के बजट की विशेषताएं बताइए, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है, स्थानापन्न वस्तु तथा पूरक वस्तुओं में भेद कीजिए, उदाहरण दीजिए। थर्ड है, आर्थिक नियोजन की व्याख्या कीजिए, आर्थिक नियोजन के चार उद्देश्य बताइए। फोर्थ है, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है इसके कारण बताइए और व्याख्या करें। तो ये सरकार का बजट वाला तो चैप्टर 29 है जो आपको आपकी मेरी जो कि आपको मेरी वीडियो में दिख जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं आपको बुक में सिर्फ इसके क्वेश्चन को देखना है और आंसर आपको मेरी प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगे, वो भी इजी लैंग्वेज में। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की व्याख्या करें। सिक्स्थ है, प्राथमिक तथा द्वितीयक आंकड़ों में भेद करें। प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने की दो विधियों की सूची बनाइए तथा द्वितीयक आंकड़ों के स्रोतों की व्याख्या करें। सेवन्थ है, उपभोक्ता वस्तुओं तथा उत्पादक वस्तुओं में भेद करें, उदाहरण दीजिए। एट्थ है, 1991 से पूर्व यानी कि पहले भारतीय आर्थिक नीति की दो मुख्य विशेषताएं का वर्णन करना है इसमें। नाइन्थ है, धारणीय विकास का अर्थ बताइए, इसके द्वारा अपनाई जाने वाली चार युक्तियों को बताइए, समझाइए। टेंथ है, मुद्रा पूर्ति को नियंत्रित करने की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे कि टफ है, पर कुछ नहीं है, ये आप प्लेलिस्ट में चेक करें और आसान भाषा में समझें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है समझने के लिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि मैं आपको उसी में आपको समझा सकूं। 11th क्वेश्चन है हमारा, सरकारी बजट की राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियों की सूची बनाइए। 12th है, किसी वस्तु की अतिरिक्त आपूर्ति होने से बाजार में होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। 13th है, कैसे उत्पादन किया जाए कि केंद्र समस्या को, उदाहरण की व्याख्या कीजिए। 14th है, मांग का विस्तार तथा मांग में वृद्धि की व्याख्या कीजिए। 15th है, बैंक साख निर्माण कैसे करते हैं, एक संख्यात्मक उदाहरण की सहायता से समझाइए। 16th है, निम्नलिखित में भेद कीजिए। फर्स्ट है, घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पाद। सेकंड, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। 17th है, राजकोषीय घाटे की व्याख्या कीजिए, इसके वित्त पोषण के तरीकों की व्याख्या कीजिए, यानी कि किस तरीके से राजकोषीय घाटे को पूरा किया जाता है। 18th है, भारत में आर्थिक नियोजन की उपलब्धियां, अब उपलब्धियां आए या सफलता है बात एक ही है, तथा असफलता का वर्णन करना है इसके अंदर। 19th है, मुद्रा पूर्ति को नियंत्रित करने के निम्नलिखित विधियों की व्याख्या कीजिए, खुली बाजार क्रियाएं। और सेकंड है, चयनित साख नियंत्रण। 20वां क्वेश्चन है, संतुलित कीमत क्या होती है, यानी कि बैलेंस कीमत का कब होता है। संतुलित कीमत के बारे में आप पढ़ेंगे वीडियो में। किसी वस्तु की संतुलित कीमत का निर्धारण कैसे होता है, रेखा चित्र अथवा उपयुक्त तालिका की सहायता से समझाइए। ये तो हमारे 20 क्वेश्चन हो गए हैं। हमारा 21st क्वेश्चन है, विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था की चार विशेषताएं बताइए। 22वां क्वेश्चन है, उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से संसाधनों की समृद्धि को समझाइए। ये जितने भी क्वेश्चंस बने हुए हैं सारे क्वेश्चन आपको मेरी प्लेलिस्ट में चेक करने पे आपको मिल जाएंगे। अगर आप इसको हार्ड कॉपी में पढ़ना चाहते हैं तो ज़्यादा इसके आधे क्वेश्चन तो आपको इस बुक में जो आपको दिखाई दे रही है भारतीय अर्थव्यवस्था की, इजी लैंग्वेज में हार्ड कॉपी में आपको मिल जाएंगे। इस बुक को आप खरीद सकते हैं मेरे द्वारा जो लिखी गई है इजी लैंग्वेज में, अमेजन पे भी खरीद सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे भी, शॉपक्लूज पे भी। और अमेजन पे खरीदने के लिए आपको टाइप करना होगा SAHUL। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।